महाराज पर दो बार ब्लेम लगाए। इस केस में जो सजा दे रखी है, किताब लिखी है संत जी गुरु जी ने, उन जज को भी, वकीलों को भी, सबको भेजी है। 30x60 का हॉल था, 12 जंगले हैं, बड़े बड़े 4 दरवाजे हैं, उनमें दम घुटने से मृत्यु होगी, ये केस बना रखा पुलिस ने। 12 जंगले, 4 चौखट और दम घुटने से मृत्यु होगी। फिर भी 304B का या 6 का केस बनता है, इसमें 302 का केस लगा रखा है। किसी वकील से, आप भी वकील से कम नहीं हो, सारी हरियाणा बात होती रहती है, 302 धारा लगाई, 302 में ही सजा दे दी। फिर भी जितने भी दूसरे संत हैं उन पर मुकदमे चले, सजा हुई, उनके अनुयायी घट गए। हमारे गुरु जी के 6 लाख अनुयायी तो इस साल में रजिस्टर्ड बढ़े हैं। हर रोज अलग अलग स्टेट में हर जिले वाइज नामदान चले हुए हैं। जो भी भगत नाम लेता है उसकी लाइलाज बीमारी की गारंटेड इलाज है। कोई राख की चोटी नहीं दी जाती, कोई उसको दवाई नहीं दी जाती। जो गुरुजी मंत्र देते हैं, परमात्मा के प्रमाणित मंत्र, जिनको नानक देव जी द्वारा और कबीर साहब की पुरानी जो कबीर सागर, उन द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, उन्होंने खुला चैलेंज कर रखा है 13 सितंबर 2013 से 22 सितंबर 2013 को ऑल वर्ल्ड लेवल के सभी फेमस बाबा सबको कि मेरे से आगे ज्ञान गोष्ठी करो। किसी ने ज्ञान गोष्ठी नहीं की, पर्दे के पीछे से लोगों को बाई नेम गुरुजी बताते हैं, राधा स्वामी वाले नकली, फलाने नकली। क्या उनको गुस्सा नहीं होता? उन्होंने आके या तो पर्दे पे लाइव साधना टीवी पे से बुलाए, या तो उन्होंने आके ज्ञान गोष्ठी करनी थी, उन्होंने वो तो किया नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान लिखा जा चुका है। शहर के शहर बसा रहे हैं, कितने बड़े लोगों से उनके वास्ते हैं, ये सब प्री प्लांट है। प्री प्लांट होने के बाद अब पब्लिक, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा, वो नहीं रुकेगी। पब्लिक को रिलीफ मिलता है, पब्लिक अपने फायदे के लिए आती है, और उन मंत्रों की ताकत से हो रहा है, ये मेरे से नहीं हो रहा है। वो कभी नहीं कहते मैं कर रहा हूं। ये साइंस ये नहीं पता कर पाई आज तक कि पृथ्वी कैसे बन रही है। वो बता रहे हैं स्वर्ग 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, वो बता रहे हैं कैसे होएगा, शास्त्रों में लिख रखा कल के अवतार आएगा, कलयुग में ऐसे होना है, आगे ऐसे होना है, डिजास्टर, ये सब कुछ लिखा हुआ, ये होने लग रही है। उन्होंने, हमने जरूरत होती है जो वो हमारे को टाइम नहीं देते, सिर्फ इसलिए। और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वे सब आमंत्रित होते हैं, जो आते जाते हैं, जो भाईचारा बना रहे हैं उनको सबको आमंत्रित है। पत्रकार साथियों, ऋषि नाम है, सिंहपुरा से हूँ, एक सरपंच, जो ये सवाल पूछ रहे थे, संत रामपाल जी अकेले किसी समुदाय की मदद नहीं कर रहे, इन्होंने SC ST की भी मदद की। जब SC ST का आंदोलन हुआ, कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, तब रामपाल जी ने उनकी भी मदद की, जाटों की भी मदद की, गौशाला में जो गौ माता दुखी हैं वहाँ भी रामपाल महाराज जी चंदा दे रहे हैं। ये किसी एक जाति के नहीं, ये सर्वसम्मत महाराज हैं। और राजपूतों की वहाँ आंदोलन किया, तब राजपूतों की भी मदद की। लेकिन इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के तो भगत मरे और उन्हीं पर 302 का केस बनाया गया। और जो ये आरक्षण वाली बात है, इन्होंने जो मदद की, यशपाल मलिक और राजकुमार सैनी दोनों ही सरकार के द्वारा भेजे गए थे, और इन्होंने ही झगड़ा करा, जाट समाज को भी बेकूफ बना दिया और नॉन जाट समाज को भी बेकूफ बना दिया। ये सारी परी प्लांट सरकार ने राज लेने के लिए की थी, और वो राज उनका अब आ चुका।